और मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं कुछ शॉर्ट्स, तो वो शॉर्ट्स देखो और उसके बाद भाई को देखो। मैं बादलों में आ गया हूँ, से पहले मरी की जो असल ब्यूटी है वो उसके पुराने रोड यानी कि पुराना मरी का जो टूल प्लाजा है उसके ऊपर मरी की ब्यूटी है, तो आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि मरी की असल ब्यूटी कहाँ पे है। वो मरी एक्सप्रेसवे से जाते हैं, लेकिन हम गए मरी की पुरानी रोड जहाँ पे ब्यूटी थी और सड़कों के ऊपर बादल आए और एक जगह के ऊपर लैंडस्लाइडिंग भी हुई हुई थी। और आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये धुंध नहीं ये बादल है जो कि सड़क के ऊपर आए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से ड्राइविंग करनी पड़ती है क्योंकि ये सिंगल रोड है और आगे से भी ट्रैफिक आ रही होती है। ये टाइम है सुबह के 6 और बादल आ रहे हैं सड़कों के ऊपर, बाकी आगे आप इंजॉय करें वीडियो देख के। बाकी यहां के मुकामी लोग भी कहते हैं कि यहां पर चीते होते हैं काफी ज्यादा। और किस्मत इतना अच्छा साथ दे रही थी कि मौसम भी इतना अच्छा हो गया और बारिश होने लगी साथ साथ। और आपको लग रहा होगा इस रोड पर ट्रैफिक नहीं है, तो यार गाड़ियों से आप अंदाजा लगा लो कि यहाँ भी बहुत ठीक ठाक ट्रैफिक होती है और जिन लोगों को पता है वो इसी रोड से आते हैं। अब तो ये टाइम आ चुका था कि सिर्फ अगली गाड़ी की दो इंडिकेटर्स ही नज़र आ रहे थे, बाकी कुछ भी नहीं था नज़र आ रहा, इतने ज़्यादा बादल सड़क के ऊपर आ चुके थे। और यार मेरे कान बिल्कुल बंद हो चुके थे और मुझे हल्का हल्का सुनाई दे रहा था। अभी हम मौजूद हैं पहाड़ों के अंदर। और थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और असल फिर ब्यूटी नज़र आना शुरू हो जाती है। और फिर रास्ते में हमें इतना अच्छा रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम था नीलम रेस्टोरेंट। यहाँ के चने, यहाँ का अंडा और पराठे पंजाबियों वाले ही थे यार, प्योर वो स्टाइल था। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, जरूर ट्राई करना है। और इसका पूरा जो व्लॉग आएगा ना वो परसों आएगा इंशाल्लाह। हेलो गाइस, तो अभी मैं बादलों के अंदर घिरा हुआ हूँ, यानी कि इतने ज्यादा बादल है कि कुछ नजर आ ही नहीं रहा। जिस तरह सर्दियों में धुंध होती है ना उस तरह है बिल्कुल। तो अभी यार पीछे से व्यू चेक करो यार, कैसा व्यू है ना, तरसरे हो गई यहाँ पे आने के लिए। तो भाई को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना।